हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन धैया। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब गाइस? ये जो लेसन प्लान है वो फिफ्थ है, और जो इसके पहले के चार लेसन प्लान हैं वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। जिन्होंने अपना ये लेसन प्लान बना लिए हैं चार, अब ये पाँचवें का नंबर है, पाँचवा मैं डाल रही हूँ। ठीक है, ये जो माइक्रो टीचिंग होती है इसमें 5 मिनट की होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती ये। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने नहीं पता कि ये लेसन प्लान कैसे बनाने हैं, आप मेरे पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। उनमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि भाई किस तरह से क्या क्या लिखना है, और जो चार लेसन प्लान है वो भी कवर होते हैं उनमें। ठीक है, ये पांचवा है, और हाँ ये बता दूँ जो टीचिंग सब्जेक्ट है कि कॉमर्स का है। ठीक है, और जो इन्होंने टॉपिक लिया है वो एडवर्टाइजमेंट का लिया है, और जो स्किल्स है वो स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन की है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं नोटिफिकेशन डालूँ, क्वेश्चन पेपर भी मैं डालती हूँ और लेसन प्लान्स भी मैं साथ साथ डाल रही हूँ, और इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, एक साइड लिखा हुआ है प्यूपल टीचर एक्टिविटी और दूसरी तरफ लिखा है प्यूपल एक्टिविटी। मतलब एक तो आपकी एक्टिविटी होगी क्योंकि आप टीचर हैं उस टाइम, और एक तरफ होगी स्टूडेंट एक्टिविटीज़। और प्यूपल टीचर एक्टिविटी में होगा, हाँ जी, प्यूपल टीचर एक्टिविटी में होगा, और ये लिखना है आपने, प्यूपल टीचर विल एंटर द क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे क्लास में एंट्री करते हैं आपको बोलना है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और इसमें लिखा है साइड में गुड मॉर्निंग मैम। देखिए, अगर ये आप अगर मेल है या फीमेल है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। यहाँ पे अगर मेल है तो सर लिखना है, फीमेल है तो मैम लिखना है। ठीक है, फिर लिखा है पीपल टीचर एक्टिविटी में, पीपल टीचर विल गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट्स। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है स्टूडेंट्स को, वो लिखा है। ठीक है, आगे है वाइल वॉचिंग द टीवी व्हाट आर द मोस्टिंग डिस्टर्बिंग थिंग, और जो स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे वो है एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब हम कुछ देखते हैं चैनल टीवी में, सीरियल्स आ जाए, सीरियल्स चल रहा हमारा और ऐड आ जाए, बाप रे। तो चलिए आगे है, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज प्रोवाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है इट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं वो यूज़फुल भी होते हैं क्योंकि उनमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे काम के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्किल्स लिखने हैं आपको नीचे, जो आपकी एक्टिविटी होगी उसमें लिखना है। यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है प्रॉम्प्टिंग, और देखिए फिर इसी के नीचे है, ये देखिए हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर द कंज्यूमर। फिर नीचे लिखा हुआ है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है बाय नोइंग अबाउट द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट दे कैन इजिली परचेज इट, इजिली परचेज कर सकते हैं हम। और नीचे है आपके एक्टिविटी में हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए किस तरह से ये यूजफुल है। इसके नीचे जो स्किल्स लिखी हुई है वो है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन एंड रिडेक्टिंग। और जो स्टूडेंट एक्टिविटी में है वो लिखा हुआ है फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ जी, ये नेक्स्ट पेज है, और इसी तरह आपने ये दो कॉलम बना लेने हैं, टीचर एक्टिविटीज़ के और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ के। ठीक है, यहाँ पे टीचर एक्टिविटी में यहाँ लिखा हुआ है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और नीचे ही स्किल्स में लिखा हुआ है रिफोकसिंग। ठीक है, और जो स्टूडेंट एक्टिविटी में है वो है अवेयर द कंज्यूमर टूवर्ड्स द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है टीचर एक्टिविटी में, वो है व्हाट आर द मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और नीचे लिखा हुआ है जो आपकी स्किल्स रहेगी सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, और जो
फिर इसी के सामने आपको लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी में टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा। फिर है नीचे थर्ड वाला, टेल मी व्हाट हैपन्स व्हेन द एडवर्टाइजमेंट इज अट्रैक्टिव, ठीक है। और इसी के नीचे यहाँ लिखा हुआ है इंक्रेज्ड क्रिटिकल अवेयरनेस, और इसी के सामने जो स्टूडेंट एक्टिविटी चल रही है साथ साथ वो वहाँ लिखा हुआ है कंज्यूमर अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट एंड परचेज द प्रोडक्ट। आई होप आपको ये फाइल समझ आ रही होगी, अगर ना भी समझ आए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम आई है आपको। और इसी के नीचे जो आपने ये वाली लाइन लिख ली, और इसी के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट टूवर्ड द सोसाइटी, और नीचे लिखा हुआ है इंक्रेज क्रिटिकल अवेयरनेस, ठीक है। और यहाँ पे इसी के सामने यहाँ लिखा हुआ है इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड लिविंग फॉर द ऑफ द पीपल, ठीक है, इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल। और फिर नेक्स्ट टीचर एक्टिविटी में यहाँ है व्हेन द एडवर्टाइजमेंट टेक्स पैलेस, और यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे स्किल्स में रिडेक्टिंग, ठीक है। और इसके सामने ही लिखा हुआ है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में ये है बिफोर द सेल ऑफ प्रोडक्ट, और फिर नीचे आता है हमारा हाउ कैन यू से द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है रिफोकसिंग, और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में यहाँ लिखा हुआ है फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है। ये हो गया आपके दो पेज कवर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये आ गए हम नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कम रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल यहाँ पे आपको देना है, देना नहीं है सिर्फ लिखना है, रेटिंग देने का काम जो होगा वो आपके टीचर का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपने नीचे स्किल्स लिखी हुई थी उन्हीं के नीचे जो स्किल्स लिखी हुई थी वो आपको यहाँ लिखनी है, और उन्हीं की आपको रेटिंग मिलेंगी, ठीक है। रेटिंग आपके टीचर देंगे, तो देखिए यहाँ पे एक तरफ कंपोनेंट लिख देने हैं और दूसरी तरफ लिखने हैं रेटिंग स्केल, और रेटिंग स्केल में 0 to 6 ये नंबरिंग रहेंगी, और जो स्किल्स हैं वो एक साइड कंपोनेंट में आ जाएंगी, ठीक है। ये जो आपने कंपोनेंट्स में लिखना है, एक तरफ तो लिखना है प्रोमेटिंग और 0 to 6 ये नंबरिंग हो जाएगी, सेकेंड है सिकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, थर्ड है रिफोकसिंग, और फिर फोर्थ है रिडक्टिंग, और फिर लास्ट में है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, और फिर इनके सामने ही आपको लिखनी है 0 to 6 जो नंबरिंग है काउंटिंग है वो आपको लिखनी है, और रेड पेन से आपको मार्क नहीं करना है, ये मार्क करने का काम आपके टीचर का होगा, फिर नीचे आपके टीचर के साइन हो जाएंगे जब आपकी फाइल चेक होगी, ठीक है। तो हो गया लेसन प्लान 5th भी आपका कंप्लीट, जो माइक्रो टीचिंग है हमारे कॉमर्स की कंप्लीट हुई आज। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी जो सिमुलेटेड टीचिंग है उसका लेसन प्लान। देखिए मेरी जो फाइल है उसमें 2 लेसन प्लान बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि अब जो लेसन प्लान आपके कॉलेजेस के अकॉर्डिंग मुझे बता देना कि सिमुलेटेड के जो लेसन प्लान है वो कितने हैं आपके, ठीक है। मेरी फाइल में 2 हैं, अगर 2 होंगे तो मैं 2 ही आपको करवा दूंगी, अगर 1 ही होगा अगर आपके फाइल में तो फिर उसी के हिसाब से आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि सिमुलेटेड टीचिंग के आपके कितने लेसन प्लान्स हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस बाय बाय, और हाँ मैं आपको बता दूँ इसकी PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है, वहाँ से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम होती है, वीडियो देखते देखते नहीं फाइल बनती है मुझे भी पता है, तो मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से भी PDF फाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बना लीजिए अपनी ये कॉमर्स की, और तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।